तो क्या आपको पता है टाकुगे गम जो आप लोग देखते हो, जो डोरेमोन और यार नोबिता खाते हैं, वो असलियत में कोई ब्रांड है और किस चीज का ब्रांड है वो आपको वीडियो में पता चलने वाला है। और क्या आपको पता है कि शिज़ुको की एक कलेक्शन हॉबी है और वो कौन सी है। और आखिर जो नोबिता टेस्ट पेपर देता है जिसमें उसको 0 अंडे आते हैं, तो आखिर वो टेस्ट में कैसे सवाल होते हैं, क्या होता है, वो आपको सब कुछ पता चलने वाला है आज की इस ऑसम वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऑसम होने वाली है। और जो लोग नए हो यार, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नए लोग सब्सक्राइब करके आ जाओ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको पता है कि यार डोरेमोन की पॉकेट के अंदर चूहा मिला था। हाँ गाइस, ये देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे डोरेमोन अपनी पॉकेट में चूहा निकाल रहा है, तो आखिर ये चूहा कैसे गया उसकी पॉकेट में। और यार ये काफी ज्यादा फनी मोमेंट था। और क्या आप लोगों को पता है टाकुआन गम जैर डोरेमोन के एपिसोड में और बहुत सारे मूवीज में आप लोग को डोरेमोन और नोबिता ये गम खाते हुए दिख गए होंगे। तो यार इसका एक असलियत में एक ब्रांड है जो कि यार एक पिकल ब्रांड है, यानी ये अचार बनाता है। तो यार सच में यार ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है और यार मैं इनके पिकल जरूर से ट्राई करना चाहूंगा क्योंकि यार आप लोग तो जानते हो इनकी गम तो यार हमारे डोरेमोन और नोबिता खाते हैं, इनकी पिकल कैसे होंगे ये यार काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो अब ये जो आप देख रहे हो ये नोबिता का टेस्ट पेपर है और आप लोग यार इसके क्वेश्चंस देख सकते हो, बहुत लोग चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं और आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि नोबिता क्या आंसर लिखता है अपने क्वेश्चंस के और यार को 0 क्यों मिलते हैं। फिर वीडियो को स्टॉप करके आराम से आप इजीली कोई से भी क्वेश्चन देख सकते हो या फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि यार आप लोग ये डिमांड करते हो कि यार हमें एपिसोड में और मूवीज में कभी डेकी सुगे के पेरेंट्स नहीं दिखाए जाते। तो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग मांगा में भी देख सकते हो और डोरेमोन के एपिसोड में भी देख सकते हो डेकी सुगे के पापा को। तो चलिए यार आप बात करते हैं जियान की। यहाँ पे आप लोग जियान को देख सकते हो जो कि यार शिज़ुको का स्कर्ट खींच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उसको एक थप्पड़ पड़ा जोरदार और यहाँ पे जियान रोने लग रहा है। तो आप लोगों को क्या लगा कि ये जो सारी गलती है ये जियान की है? अरे नहीं नहीं नहीं, अब ये देखो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यार ये इस करतूत के पीछे किसका हाथ है, मतलब इस करतूत के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, आपको साफ साफ पता चल गया होगा। अभी तो यार मैं सोचूं जो हमारा जियान है वो कभी शिज़ुको के साथ ऐसी मिसबिहेव नहीं कर सकता। तो क्या आपको पता है कि जो शिज़ुको है उसको सॉफ्ट टॉयज कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है, उसके पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज है। अब आप लोग ये बताओ कि नोबिता को किस चीज की कलेक्शन की आदत है और उसके पास सबसे ज्यादा क्या है, तो यार आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो चलिए यार अब बात करते हैं सुनियो के सीक्रेट की। तो यार क्या आपको पता है कि जो नोबिता है वो सुनियो से बदला लेने के लिए सुनियो को इतना गंदा बदनाम करता है, यानी उसके खिलाफ वो एक अफवाह फैलाता है कि यार जो सुनियो है वो एक लड़की को काफी ज्यादा पसंद करता है। और बाद में फिर क्या होता है कि वो जो लड़की होती है वो सुनियो के पास आती है और वो बोलती है कि मुझे भी तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। यार एक तरीके से दुनिया वालों को ये लगता है कि सुनियो और उस लड़की का कोई चक्कर है और वो दोनों आपस में दोस्त है, और दोस्त का तो मतलब यार आप लोग तो जानते होंगे। तो चलिए यार बात कर लेते हैं सिनचैन की। थी यार क्या आपको पता है सिनचैन काफी ज्यादा ब्रेव है, जहां पे यार वो चैन भी यार स्टार्टिंग में रोना चालू कर दिया था, सारे ही उसके दोस्त रो रहे थे, वहां पे सिनचैन रो नहीं रहा था बल्कि कंटेंशन को समझ रहा था और यार अपने आप को हौसला दे रहा था, अपने साथ में दोस्तों को हौसला दे रहा था। और यार एक सीन में हमें ये दिखाया गया कि जो सिनचैन है वो नैनी के मॉम का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसको क्या ही कर रहा है, जो आप लोग देख सकते हो। मतलब यार मुझे लगता है ना ये ना मतलब धीरे धीरे उसका पूरा मुंह ही चूस लेगा। तो यार ये काफी ज्यादा फनी सीन था। तो यार आप लोग को बता कि आप लोग को ये कैसा लगा। तो चलिए यार अब इस ऑसम से फनी से एपिसोड के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। तो यार आप लोग जानते हो जियान और यार डोरेमोन दोनों ही भाई हैं, ठीक है, लेकिन यार एक एपिसोड में जब यार वो दोनों बाय करने के लिए गए थे एक स्पेशल प्रीमियम मेलन ब्रेड, तो वहां पे यार उन दोनों में फाइट दिखी थी। और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, डोरेमोन जो है जियान से डरता है कभी कभार, उसने जियान को काफी ज्यादा टक्कर दिया था। तो यार आप लोग ये बात तो जानते होंगे, जब नोबिता फुल मोटिवेशन के साथ जियान के साथ फाइट करने के लिए जाता है वो हार ही जाता है, वो उसको एक भी घूसा या फिर एक भी पंच नहीं मार पाता। वही डोरेमोन ने जियान को इतनी तगड़ी फाइट दी थी, यानी दोनों की जो फाइट थी बराबर ही थी। तो यार सोच रहा कि यार जो डोरेमोन है यार वो है भाई जियान से कम नहीं है यार, वो जियान के बराबर ही है अगर वो उसकी अपनी पे आ गया और अगर उसकी बहन का सवाल है तो। तो यार ये काफी ज्यादा फनी लगा और काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो यार आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। जरूर से यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। आशा होगी कि यार आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक मैं रखता हूँ आज के वीडियो का सिर्फ और सिर्फ 800 लाइक, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायो नारा।